सरकार द्वारा पूर्ण क्षमता से बसें चलाए जाने के लिखित आदेश आ जाने के बाद भी बड़वानी में बसों के पहिए थमे हुए हैं। बस मालिक बंद के दौरान बीमा माफ करने की बात पर अड़े हुए हैं, साथ ही किराए में वृद्धि किए जाने पर ही बसें चालू करने की मांग की है। सरकार द्वारा पूर्ण क्षमता से बस संचालित किए जाने के आदेश के बाद भी बसों के पहिए थमे हुए हैं। बस ऑपरेटरों की मांग है कि सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि पिछले 5 माह से बंद बसों का बीमा माफ किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई लिखित आदेश अब तक जारी नहीं किया है। बस ऑपरेटर किराए वृद्धि की बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब बसें चालू थी उस वक्त डीजल 58 रुपये था, अब 80 रुपये के करीब हो चुका है, इसलिए किराए में वृद्धि की जाए। जब तक उनकी इन मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक बसों का संचालन नहीं हो पाएगा। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। सरकार की घोषणा के बाद ही बसें चालू नहीं हो, क्या कारण? सरकार ने घोषणा जरूर कर दी है कि 20 तारीख से आप गाड़ी पूरी सवारी में आप चला सकते हो, लेकिन हमारे को जो टैक्स माफ़ किया है 5 महीने का, लेकिन उसमें कोई लिखित आदेश नहीं है। लेकिन उन्होंने जो लिखित आदेश गाड़ी चलाने का जरूर दिया है, लेकिन ये लिखित में आदेश नहीं दिया कि भाई आपका टैक्स पूरे 5 महीने का हमने माफ़ किया है। उसके अब वो गवर्नमेंट ने बोल रही है कि हमने मुख्यमंत्री जी को सारी लेटर कर दिए हैं, लेकिन 8 तारीख तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। कब तक संभावना है? कोई संभावना जब तक हमारी वहाँ से हमारा लेटर नहीं आता है जब तक हम गाड़ियाँ बंद रखेंगे। गवर्नमेंट से जो बीमे हैं वो अगर 5 महीने से हम खड़े हुए हैं तो उसका बीमे की प्रीमियम या तो फिर वो आगे एडजस्टमेंट करें या फिर हमारे मंथली बढ़ाएं, जो 5 महीने से हमारी गाड़ियां खड़ी है। और डीजल में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, इस कारण हम गाड़ी चलाने में भी अभी असमर्थ है। कारण जब तक हमारा कुछ किराए में भी संशोधन नहीं होगा, जब हमारा किराया बढ़ा था जब 58 रुपये लीटर डीजल था, लेकिन आज 83 रुपये लीटर पर डीजल है, तो इसी स्थिति में गाड़ी चलाने में अभी बहुत हम असमर्थ रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।